किचन के जो कुछ यूटेंसिल्स हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, ये सारी यूटेंसिल्स मैंने एक ही शॉप से मंगवाई हैं और काफ़ी अफोर्डेबल हैं, तो आई थॉट कि आप लोगों से भी शेयर करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों की भी रमज़ान में ज़रा आसानी हो सके हर चीज़ जो हम किचन में बना रहे होते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये डम्पलिंग कटर है जो कि मैंने ऑर्डर किया था। मैं आपको इस स्टोर का ऑनलाइन पेज और वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो आप लोग ख़ुद भी जो है वो इस स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। चीज़ें बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा, इसके डम्पलिंग कटर के साथ एक ये रोलिंग पिन आया है, ठीक है, देख रहे हैं आप, बड़ा अच्छा सा है, सॉलिड सा, काफ़ी सही। दो साइज़ के डम्पलिंग कटर्स हैं जो कि बहुत अच्छे मैंने यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छे से हैं। इसको बस यहाँ डो रख के और बीच में उसके जो भी आपने फिलिंग डालनी है वो डाल के और इसको आप यूँ कर देंगे तो डम्पलिंग बन जाएगा। और ये जो है चार साइज़ के बॉक्स हैं, एक इसके अंदर है और एक इससे छोटा वाला इसके अंदर है। ये भी बड़े इजी टू यूज़ हैं, आप दालें वगैरह, बेसन या कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत रखना चाहें इसके अंदर बड़े आराम से आ जाता है और बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक मुझे अब याद तो नहीं है बट ये 300 के अराउंड ये चार बॉक्सेस आए थे, बहुत क्यूट है, छोटा वाला तो बहुत ही क्यूट है। इसके अलावा ये टोंग है जो नॉन स्टिक बर्तनों के लिए होती है, तो ये टोंग ली थी मैंने, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 150 अराउंड समथिंग कुछ थी ये। इसको आप यहाँ से पुल करें तो ये वाइडन अप हो जाती है। अच्छा, ये एक मल्टीपर्पज़ जो है वो कटर है, इसमें आप पीलर भी है इसके अंदर और ये आप यहाँ से थिन स्लाइसेस कट कर सकते हैं किसी भी सब्ज़ी के या किसी चीज़ के। ये ग्रेटर है, ये इन्होंने यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखें ग्रेटर दिया हुआ है। और ये पोटैटो बेबी कटर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये बेबी कटर है और यहाँ से आप बारीक स्लाइसेस या कद्दूकश वगैरह कर सकते हैं इस जगह से। ये बड़ा अच्छा सा है, काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, इसने बड़ा आसान कर दिया है ज़रा चीज़ें रमज़ान में काटनी सब्ज़ी वगैरह। और ये 3 स्पून्स का एक पैक था, ये भी बहुत अफोर्डेबल था। प्राइसेस अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट मैं आप लोगों को स्टोर इनका जो है ऑनलाइन वो मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोग बसानी वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। एक ये स्पैचुला था, इसके साथ ये ब्रश था, रबर ब्रश, ऑयलिंग ब्रश, और एक ये स्पून था, डीप स्पून छोटा सा नॉन स्टिक पैंस के लिए। दूसरे पैक में जो है वो ये चीज़ें थी, ये भी रबर, एक रबर स्पैचुला, इसके पीछे एक ट्रांसपेरेंट सा हैंडल लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, काफ़ी आराम से इससे साफ जो बर्तन है जो भी आप चीज़ साफ़ करना चाहें वो बहुत आराम से हो जाती है, काफ़ी अच्छा है। और एक ये इसके साथ ये ब्रश आया था सिलिकॉन का, ऑयलिंग ब्रश। इसके अलावा एक मैंने ये पोटैटो बेबी कटर ऑनलाइन इन्हीं के स्टोर से ऑर्डर किया था, ये भी बहुत अच्छा है, इससे बड़े अच्छे बेबी पोटैटो चिप्स कटते हैं, ये भी बहुत अफोर्डेबल है। तो मैं आप लोगों को इसका जो लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है प्राइजेस वगैरह भी उसमें मैं आपको दिखा दूँगी सब चीज़ों की, बहुत अच्छी हैं सब चीज़ें और काफ़ी पायदार हैं, प्राइजेस भी बहुत लो हैं और पायदार हैं, डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, जल्दी आ जाती हैं चीज़ें, बहुत टाइम नहीं लेती। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट्स के अंदर कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। सो अगली आने वाली वीडियो तक के लिए राबी खान की तरफ से अल्लाह हाफिज़।